अस्सलाम वालेकुम। तो बाकी सब की तरह मैंने भी ये गेमिंग एयरबड्स खरीदे लो लेटेंसी वाले गेम खेलने के लिए, जो कि ऑब्वियसली सबवे सर्फर तो नहीं है। तो पबजी खेलने के लिए और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेलने के लिए मैंने खरीदे। लेकिन जब मैंने ये डिस्कवर किया कि गेमिंग एयरबड्स का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि एयरबड्स लगा के तो इंटरनेट स्लो हो जाता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से एयरबड्स के कनेक्ट होते ही आपका इंटरनेट आधे के भी आधा हो जाता है, ठीक है, आपकी एमबीज गिर जाती है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि पबजी में किस तरीके से कहाँ 20 ms चलता है बिना एयरबड्स के, और एयरबड्स के कनेक्ट होते ही मेरी पिंग चली जाती है 300, 500, 600। तो ऐसे काफी लोगों को तो ये पहली बार पता चलेगा कि एयरबड्स को कनेक्ट होते ही आपके मोबाइल का इंटरनेट स्लो हो जाता है। उनको पहले इसलिए नहीं पता होता क्योंकि वो एयरबड यूज कर रहे होते हैं मूवी देखने के लिए या गाने सुनने के लिए। अब जिन लोगों को गेम्स का एक्सपीरियंस है तो मोस्टली उन्हीं लोगों को ये बात पता है कि एयरबड्स के कनेक्ट होते ही आपका इंटरनेट आधे के भी आधा हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप अपने इंटरनेट को स्लो होने से बचाएंगे, ये बात मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब वीडियो के एंड में बताऊंगा इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वीडियो को डायरेक्ट एंड पे ले जाएं, थोड़ा सा बीच का देख लें वरना आप सारे स्टेप्स को मिस कर देंगे। ओके, तो अब मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ कि किस तरीके से आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है एयरबड के कनेक्ट होते ही। इस वेबसाइट से अभी हम अपनी इंटरनेट की स्पीड चेक कर रहे हैं बिना एयरबड को कनेक्ट करे। तो अभी स्पीड जो आ रही है वो 7.7 mbps पे जाके रुक गई है। तो अब हम अपने एयरबड्स को कनेक्ट करेंगे और मेरा एयरबड कनेक्ट हो चुका है। अब हम दोबारा से रिफ्रेश करेंगे इंटरनेट को, देखते हैं कि क्या स्पीड देगा। तो इसने स्टार्ट ही KB से लिया इस बार और मैक्सिमम ये 5 तक तो जा ही नहीं पा रहा और ये 4.1 पे जाके रुक गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे तो इंटरनेट स्लो हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, पबजी पे अभी मेरा एयरबड कनेक्ट नहीं था तो 20 ms पिंग दे रहा था। तो अभी मैंने ब्लूटूथ ऑन किया तो एयरबड मेरे कनेक्ट हो चुके हैं। तो अभी आपको ये दिख रहा है कि मेरी पिंग जा चुकी है 72, 80, समटाइम्स ये 600 भी चले जाती है। अभी इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है जिसकी वजह से ये 70, 80, 100 तक क्रॉस करेगी। अभी भी 60 है और 80 और ये 77, बहुत जल्दी ही अभी ये 100 को भी क्रॉस कर जाएगी। तो अभी मैं दोबारा से ब्लूटूथ जैसे ही ऑफ करूँगा तो आप देखो कि सडनली चेंज होगा, ये 40 पे आई और ये वापस से 20 ms पे आ चुकी है। ओके, तो अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने घर का राउटर चेक करना है। तो आपके घर का राउटर, अगर आप उस राउटर के पीछे देखेंगे तो उस पर लिखा होगा कि वो यहाँ तो 2.4 GHz का होगा, यहाँ तो वो 5.0 GHz का होगा। तो मोस्टली हम सारे 2.4 GHz का ही राउटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, क्योंकि वो ज़्यादा महंगा नहीं होता, वो 3 से 4 हज़ार तक का होता है पाकिस्तानी रुपए। तो सॉल्यूशन ये है कि हमें 5 GHz का राउटर यूज़ करना है, क्योंकि जब हमारे ब्लूटूथ के एयरबड कनेक्ट होते हैं तो वो 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट होते हैं और वाईफाई भी 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से वाईफाई हमारा स्लो डाउन हो जाता है। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी राउटर की। तो आप 5.0 GHz का राउटर ख़रीदें अपनी किसी भी करीबी दुकान से, उनको बता दें कि हमें 5.5 GHz का राउटर चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। डब्बे पे भी लिखा ही होगा कि ये 2.4 का है या 5 GHz का है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप डेटा पे गेम वगैरह चलाएं, तो डेटा पे इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो तीसरा सॉल्यूशन ये है कि आप किसी से हॉटस्पॉट लें जिसके पास डेटा हो। अगर आपके पास डेटा ना हो तो हॉटस्पॉट लेने के लिए आपको कुछ सेटिंग चेंज करनी होंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। हॉटस्पॉट में जो सेटिंग आपको चेंज करनी होगी वो ये, हॉटस्पॉट सेटिंग में आप जाएंगे। पहले तो हम अपना पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं। तो हॉटस्पॉट सेटिंग में आप इस AP बैंड को देख रहे हैं, तो AP बैंड में आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। जिससे भी आप हॉटस्पॉट ले रहे हैं उसको बोलो कि अपनी फ्रीक्वेंसी कर दो 5.0 पे। अब जब आपको वो हॉटस्पॉट शेयर करेगा तो फिर आपका इंटरनेट स्लो नहीं होगा एयरबड के कनेक्ट होने से। तो मैंने आपको 3 सॉल्यूशन दे दिए हैं, अब तीनों में से कोई भी अप्लाई करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना हो तो कोई सवाल वगैरह पूछ लेना।